हमारा आरंभ कैसा था और हमारा अंत जो है कैसा होने वाला है। हम जो है स्टार्टिंग में परमेश्वर के पर विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वचन लोगों को भी बताते हैं, लोगों को ठीक भी करते हैं, अपनी फैमिली को भी ठीक करते हैं। जब तक हम विश्वास में रहते हैं, वचन में रहते हैं, जब हम शुरुआत करते हैं, तो भाई और बहनों मगर काफ़ी लोगों के जीवन में हम देखते आते हैं शुरुआत तो बहुत ही अच्छी करते हैं लेकिन उसका अंत जो है बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो जाता है। हे भाई और बहनों, आसिफ राजा के जीवन में वो विश्वास करता रहा, 36 इयर्स तक उसने परमेश्वर से जुड़ा रहा, परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बना के रखी, लेकिन 36 इयर्स के बाद में उसने अपने जब मुश्किल हालात उसके सामने आए तो अपने परमेश्वर यहोवा को छोड़ के दमिश्क के राजाओं के पास चले गया, मेरी मदद करो। हे भाई और बहनों, एक विश्वासी जब नया जन्म पाता है, बपतिस्मा ले लेता है, वचन सुनाता है, सेवा करता है, हे भाई और बहनों, उसका आरंभ तो जो है बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद में, कुछ सालों के बाद में, यानी कि 20-25 सालों के बाद में जब उसके जीवन में दुख और तकलीफ आती है तो भाई और बहनों अपने परमेश्वर यहोवा के वचनों को भूल जाता है, विश्वास करना छोड़ देता है और लोगों के ऊपर आधार होना शुरू कर देता है कि मैं लोगों के ऊपर विश्वास करूं, लोगों के ऊपर भरोसा करना शुरू कर देता है। हे भाई और बहनों, हम सब लोगों ने शुरुआत तो बहुत ही अच्छी की थी लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारा विश्वास कम हो गया और हमने इंसानों के ऊपर भरोसा करना शुरू किया। जब इंसानों के ऊपर भरोसा शुरू किया तो इंसान भी हमारे साथ विश्वास योग बना रहता है और हमारा विश्वास जो है परमेश्वर से कम होते रहता है। जब हमारा विश्वास परमेश्वर से कम होना शुरू हो जाता है उस टाइम पे जब हम जो इंसान के ऊपर भरोसा करते हैं वो इंसान भी एक दिन हमें धोखा दे देता है। ए भाई और बहनों, काफ़ी लोग उस दिन याद करते हैं, यार मैंने गलत किया, मुझे आपके ऊपर नहीं, मुझे अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए था। ए भाई और बहनों, ऐसे बहुत सारे विश्वासी करते हैं, परमेश्वर को छोड़ देते हैं, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर को छोड़ के किसी और के ऊपर विश्वास करते हैं। वो तो काफ़ी दिन तक विश्वास योग बना रहता है, थोड़े दिन के बाद वो भी छोड़ देता है और फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है। हे भाई और बहनों, कि आपके जीवन में भी ऐसा हुआ, आपका आरंभ जो था बहुत ही अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा विश्वास करते थे, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर की महिमा करते थे, दुख और तकलीफ़ों में परमेश्वर का वचन सुनाते थे, दुख और तकलीफ़ों में भी परमेश्वर के साथ जुड़े रहते थे, वो कब? जब आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था शुरुआत में। लेकिन अब जब आपका 30 साल, 20 साल या 40 साल विश्वास में आ गए हो तो क्या आपका विश्वास कम हो गया है? क्या आप इंसान के ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया है? क्या आपने सोना चांदी के ऊपर भरोसा शुरू कर दिया है करना? तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, आसफ राज ने भी 36 ईयर्स तक परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसके राज्य में शांति बना के रखा और उसे हर एक चीज़ दी परमेश्वर ने उसके जीवन में जो उसे आवश्यकता थी। लेकिन जब उसके जीवन में मुश्किल की घड़ी आई, युद्ध का समय आया, वो परमेश्वर अपने परमेश्वर के पास नहीं गया, वो दूसरे दमिश्क के राजा के पास चले गया कि मेरी मदद करो। हे भाई और बहनों, एक दिन भविष्यवक्ता उसके पास आया, भविष्यवक्ता ने आके कहा उससे, भविष्यवक्ता ने उससे कहा आके, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर फिरती रहती है, जिसका मन निष्कपट रहता है वह उसके साथ सामर्थ्य के काम करता है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर जैसा एक धर्मी परमेश्वर को ढूंढता है, वैसे ही परमेश्वर भी एक धर्मी को जो है ढूंढता है। जब परमेश्वर को धर्मी मिल जाता है कि ये धर्मी जो है परमेश्वर को ढूंढ रहा है, तो परमेश्वर उसके साथ सामर्थ्य के काम करता है। हे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर भी
आपको और मुझे भी ढूंढता है कि मैं इसके साथ सामर्थ्य के काम करूं। सामर्थ्य के काम परमेश्वर कब करेगा? जब हम सच्चे मन के साथ परमेश्वर को ढूंढेंगे। हे भाई और बहनों, उस भविष्यवक्ता ने इसी बात को जो था उस आसव राजे को बताया कि तुम्हें परमेश्वर को सच्चे मन के साथ ढूंढना चाहिए था और परमेश्वर तुम्हें मिल भी जाता, लेकिन तूने ये जो है मूर्खता की है। जब मुश्किल की घड़ी में तूने अपने परमेश्वर को याद नहीं किया, मुश्किल की घड़ी में तूने उस राजा के ऊपर विश्वास किया, उसकी सेना के ऊपर विश्वास किया, इसलिए तू हर वक्त युद्ध में फंसा ही रहेगा। आज हमारे